सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जिले में इन दिनों गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। तेज गर्मी के साथ लोगों को बिजली और पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। बॉर्डर से सटे धरनोक गांव में भीषण गर्मी के साथ पेयजल की किल्लत भी चरम पर है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें दोगुना रेट में पानी मिल रहा है, साथ ही पानी की स्रोत भी सूख गए हैं। ऐसे में वे ऊंट गाड़ी से दूसरे इलाकों से पानी लाकर पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा जिले से ये गांव आरबी गफन है, जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, खारा पानी है। गर्मी का मौसम में लू पड़ती है, पानी बहुत खारा है, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पश्चिमी रेगिस्तान इलाका है, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गायें भैंस बकरियाँ सब इस माहौल में, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है यहाँ पे, खाओ भी खारा पानी है, पीने लायक पानी भी नहीं है। हाँ, ये पॉलिटिक वाला जब राजनेता जब आते हैं वोटों के लिए, तब सब कहते हम कर देंगे। वो सब चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार आती है बस बातें करती है, उसके बाद पीछे मुड़ के देखती नहीं है लोगों का क्या हाल है। वोट आते हैं तब सब लोग बोलते हैं हम आपका समाधान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढेंकड़ा सब कहेंगे, लेकिन जब वो यहाँ से जीत के यार जाते हैं फिर वो वापस गांव के मुड़ के नहीं देखती। ये गफन एरिया है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, 300 फुट गहरा पानी है। ट्रैक्टर टंकी का 1500 रुपये लेते हैं, ऊँट का टंकी का 500-700 रुपये लेते हैं। बेरोजगार इलाके, यहाँ कोई व्यवसाय है नहीं, पिछड़ा इलाका है, रेगिस्तान इलाका है, ऊँटों पर गधों पर हम पानी ले आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम है। सरहदी बाड़मेर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते लोगों को पानी को लेकर कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं जिले के आसपास बॉर्डर से सटे कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग आज भी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। साथ ही बॉर्डर से सटे गाँव वाले लोगों को घी तो सस्ता मिल जाता है, लेकिन पानी घी से भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। वहीं इलाके के आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से कई किलोमीटर दूर तक महंगी दरों में पानी के टैंकर लाकर अपनी हलक तर करने को लेकर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही सरकार की स्कीम के तहत जिले के आसपास बॉर्डर गांव में पानी की बेरिया एवं कुएं तो बनाए गए हैं, लेकिन कुएं भी इन दिनों भीषण गर्मी के दौर में सूखे नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें पानी के लेकर कई प्रकार की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि अधिकारी है वो जब वोटों का टाइम आता है तो बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, और जब हमारी कोई समस्या होती है तो उस समस्याओं का समाधान करने को लेकर ना ही कोई अधिकारी आता है और ना ही कोई नेता आता है। बाड़मेर से A1 TV के लिए कमलेश सैन।